से अनदर गुड मॉर्निंग फ्रॉम रहीम यार खान। आज हमारा यार कितने मनहूस लग रहा हूँ मैं रोशनी के बगैर। हाँ ये तो आज हमारा डे थ्री है यहाँ पे और हम यहाँ पे यार अभी भी ओहो लाइट ही नहीं है। ओ यार तो यार अब हम लोगों का प्लान ये है कि हम लोग सोच रहे हैं क्या सोच रहे थे हम मस्जिद का हम लोग प्लान कर रहे हैं लेकिन मस्जिद का सुनने में आ रहा है कोई रास्ते वस्ते में मसला आया हुआ लेकिन देखते हैं। और डेजर्ट में भी थोड़ा सा मसला मसाला है तो हुसैन के जो पापा हैं वो अभी हमारे लिए वर्किंग कर रहे हैं कि हम किसी तरह डेजर्ट चले जाएं। लेकिन तब तक हम लोग सोच रहे हैं कि हम एक और सिटी राइड पर रात को हम तो कल रात को निकले कल मतलब शाम हो गई थी अब ज़रा दिन में हम निकलते हैं रेमिया खान को एक्सप्लोर करते हैं। रात को भी हम लोगों ने इतना एक्सप्लोर नहीं किया था लेकिन नज़र नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी हम ज़रा दिन को निकलते हैं और देख के आते हैं। हुसैन का स्कूल भी देखते हैं। हुसैन के स्कूल के पास बहुत मैकडॉनल्ड KFC डोमिनोज वगैरह सब है। वो देखें एक ये डाकू सो रहा है मैकडॉनल्ड भी है। एक ये देखे सुती उठी हैं राती कुछ नहीं कहना सुन नहीं सकती। अल्लाह मामा बीबी क्या अच्छा है देख रही है कि खा दई कैरी ब्रश करके आओ भाग गई तो लोग कितने साफ सुथरे लोग हैं ना यहीं खा के यहीं छोड़ दिया। अभी हम जाएंगे पता किस चीज़ पर माचिस के डब्बे पे जाएंगे अब हम। हाय कितना साफ शीशा है हमारे जो तो साफ भी नहीं शीशे तो इसमें बैठते हैं अभी चलते ओए इधर किधर हो गए कितने मज़े से इधर हो गए ना कोई चक्कर ही नहीं है। बस ध्यान से गाइस जब भी आप स्विच हो रहे हो ना यहाँ से यहाँ तो ख्याल करना इसका समझ रहे हो ना जी। हम अब निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मामा आइसक्रीम खिला रही मैकडॉनल्ड्स की अब ओ गाड़ी में से वो नहीं लाई एज पर डिमांड ऑफ हुसैन हम उनके स्कूल देखने आए। ये है जी HH शेख खलीफा पब्लिक स्कूल रहीम यार खान। हुसैन उतर जाओ स्कूल शाबाश जाओ नहीं सुना उनकी सोसाइटी है ये चिंची ने भी अपनी टांग उठा दी थी आगे से लेफ्ट राइट वहां से मुड़ के ना इस चक्कर से मुड़ के राइट अच्छा उधर ठीक है। ये रहीमिया खान सिटी है दिन में रात को दिखाई थी ना आप लोगों को अब दिन में देखो आप लोग जेल से छुट के आ रहे हैं अभी हम भाई जंप बड़े हैं यार इधर हर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक जंप आ जाता है जो मैं आपको बता रही थी ना एक वो चाइनीज का रेस्टोरेंट ये था अब जो तोड़ फोड़ दिया बेचारे कहां पे ये है यार जिम बार ओए यहां जाना था अरे यहां जाना है हां फ्रूट चाट शेक्स यहां से जो आपको जाके देखूं अब जरा जाते हैं पीछे रिवर्स ले लेते हैं थोड़ी सी हां फ्रूट चाट तो जाएगा कैदी आ रहे हैं लोबिया सैलेड पास्ता सैलेड हां तो जरा कैसी लगी चाट मामा मजे की है मामा साथ मेरी फेसबुक इस्तेमाल कर रही है कूल वेदर और कॉफी स्वीट सिटी रात का स्टेटस है ओ माय गॉड मुझे अभी तो स्टेटस नहीं डाला यार तुम भी खाला भी पीछे चाट खा रही है तुम क्या खा रहे हो मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ वो भी ठंड में वनीला आइसक्रीम और ये क्या खा रहा है ओहो ये गैरत खा के बैठा हुआ है शाबाश बेटा जहाँ से मैं मुड़ के आऊँ ना इधर आ जाता है बंदा आई लव रहीमिया खान जो लिखा हुआ है इतना इतना क्यूट सा छोटा सा शहर है कि जहाँ से घूम फिर के आओ आई लव रहीमिया खान मतलब आप ये मेरे ख्याल में एक दो तीन कोई छः या आठ रास्ते लगते हैं इधर को इस चौक को आने के लिए ऐसा ही है ना आठ रोड्स आती हैं इधर आके लग टच करती हैं और जैसे ही आप आके अब पूरे शहर में निकलते हो ना कि मैं घूमने निकला हूँ निकलने के साथ आप जहाँ से भी आओगे घूम के इधर आ जाओगे। Thousand years later. We are back अपने टार्जन के अंदर और बस यहीं तक था हमारा रहीमिया खान का सफ़र। थोड़ा हमें कराची जाना पड़ गया है हमें क्या कहते हैं अगर हम एक एक जगह और जाना है हमने तो
अगर हम यहाँ एक दिन और रुक जाते तो हम बहुत लेट हो जाते, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ा। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स, आई वॉन्ट टेल यू नाउ, अभी नहीं बताऊँगा मैं, वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगा। क्योंकि यार हम तीन जो है ना, हमें कहते हैं दी खान क्रू, तो खान क्रू जब ये तीन चलता है ना कहीं पे, तो इनका कोई पता नहीं होता। हो सकता है ये अभी कराची का बोल के खान क्रू का मूड लाहौर का बन जाए तो ये लाहौर निकल जाएंगे। खान क्रू के मेंबर में एक मैं हूँ, एक हमारी अम्मा है और एक हमारे समी खान है पीछे जो अंधेरे में बैठे हुए हैं। तो रोड ख़राब है भाई बड़ी ज़बरदस्त करके। और यही था हमारा रीमिया खान का जो ट्रिप था। व्लॉग अभी एंड नहीं कर रहा मैं, आज के दिन का भी व्लॉग पूरा बनेगा, कल का भी बनेगा, जहाँ तक जाते जाएंगे व्लॉग बनता जाएगा। आप लोगों को बताते जाएंगे कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या कारस्तानियाँ होती हैं। अभी जरा हम शदीद किस्म का एक ऑफ रोड कर लें, फिर आपको मिलता हूँ मैं। हमारी गाड़ी थोड़ी, ये तो हमारा वीगो है, यकीन करें इतने मज़े का सस्पेंशन है माशाल्लाह। इस गाड़ी का फील ही नहीं होता कि हम कार में हैं। इस गाड़ी ने खड्डे छड्डे जो है ना इतने मज़े मज़े से खड़े, की हो गया मामे हाँ। यार ये तो इसने बेइज्जती करा दी है मेरी। इतनी गंदी हो रही है, साफ सुथरी लेके निकले थे हम। सीन कुछ ऐसा है कि यार हम लोगों ने सोचा जीटी रोड पर चढ़ने से पहले निकलते साथ ही यहाँ पे आता है एक स्टिलर्स रेस्टोरेंट एंड कैफ़े। हमारे माइंड में तो वो वेरी था अपना जो मोटरवे के ऊपर स्टिलर्स कैफ़े आते हैं ना, कि फ़ास्ट फूड उनका। मेरी मम्मी को पनीनी सैंडविच बहुत पसंद है, मुझे उनका पिज्ज़ा बहुत मज़े का लगता है, पसंद है मुझे। तो हमारे माइंड में ये तो हमने स्टिलर्स देखा। खैर हम इधर आए, ये मेन ब्रांच इनके पास फास्ट फूड नहीं, बट हम लोगों ने सोचा यार अब कुछ ना पेट पूजा हो जाए, फिर उसके बाद कम दूजा हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, फिर कुछ खाते हैं और फिर अपनी सफर का आगाज शुरू करते हैं। माल की देर है यार, हम लोग खाना वाना खा चुके हैं और आपको मिलवाता हूँ मैं एक हमारे अंकल हैं, खड़ा हो जाओ, आसिफ अंकल हैं, स्टिलर्स के ओनर है माशाल्लाह से। सर आपका खाना जबरदस्त है, ये हमारे लिए यही सबसे बड़ा इत्मीनान है कि आप आके इसको पसंद करते हैं। बिल्कुल, और आपने बताया कि मोटरवेज पे जाते हैं और वहाँ हमारा पिज्जा और सैंडविच पनीनी जी जी आपको बहुत पसंद आता है। हमारी एफर्ट और हमारा गोल यही है कि जो हमारे पास आ रहे हैं वो बहुत ये समझे कि ये इस पर भरोसा करें। इसको पाकिस्तान में हम कम अज कम फर्स्ट सेकेंड ईयर में काम करते हैं और उसको एक्नॉलेज भी करते हैं, तो ये हमारे बड़ी खुशी की बात है। इसका इस बनानी हमें चाहिए। और दूसरा मुझे जो शहर में रेस्टोरेंट्स हैं जैसे कराची के अंदर हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आपके पास मिला। ये नहीं कि मैं आप मेरे मुंह पर तारीफ करूँ, सही जो बात सच है मैं वही कह रहा हूँ। और अगर आप लोग भी कभी ट्रैवल कर रहे हो, जो वीडियो देख रहे हैं टूवर्ड्स इस्लामाबाद या लाहौर मोटरवे पे, आप कहीं पे भी जाते हैं, जीटी रोड से भी जाते हैं, तो इनके मेन ब्रांच जो है यहाँ पे है सादकाबाद चौक बहादुरपुर पे, इनकी मेन ब्रांच है रहीमिया खान में। और अगर आप मोटरवे से जाते हैं तो इनकी चार जी एक कुतुबद्दीन है, ये सखर से तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद आएगा टूवर्ड मुल्तान कह रहे हैं, ठीक है जी। सबसे कुतुबद्दीन शाह है, शाह है इंटरचेंज या सर्विस एरिया जी जी, उसके बाद आएगा उच्च शरीफ सर्विस एरिया, उसके बाद फिर M4 पे अगर आप जाएंगे पिंडी जो मुल्तान से लाहौर जाएंगे उसको M4 कहते हैं, उस पे हमारा साइयावाला इंटरचेंज पे है। तो जरूर हमें ट्राई करें, 100% मौके पे चीजें बनती हैं, 100% फ्रेश होती हैं, 100% इंग्रेडिएंट क्वालिटी के होते हैं। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं शायद पाकिस्तान में कम लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कॉफी के बीन जो है हम इली के इस्तेमाल करते हैं जी जी जी, इली वर्ल्ड क्लास वो रैंकिंग में आता है और आम तौर पे वो कोई भी नहीं करता है जी। अल्लाह का नहीं, ये तो मैं सीसी गारंटी दूंगा क्योंकि मैंने आपका खाना ट्राई किया है, आज आपके मेन ब्रांच से भी खा लिया और आपके मोटरवेज वाली सारी ब्रांचेस से मैंने खाना खाया है, इस चीज़ की तो मैं गारंटी दूंगा कि जी खाना एम्बियंस और स्टाफ और हर चीज का रिस्पांस आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा जी इंशाल्लाह। हमारी ये कमिटमेंट है, बस कराची आ जाओ, कराची एक दफा ले आप जरूर कराची आने के लिए, और जब आप इतनी चाहत रखेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी में
जितनी जल्दी पॉसिबल हो हम कराची आए। इसलिए आपके लिए, हमारे लिए आपका आना बहुत खुशी की बात है, बहुत एक कॉन्फिडेंस मिला, आपने जो राय दी उससे हमें बड़ी तकबीयत मिली। जरूर इंशाल्लाह ताला, मैं तो कहता हूँ कि आज आप हमारे मेहमान रहे और कल देसी ट्राई करके। नहीं नहीं, बस अभी हम निकलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आने का, आपकी जो रिमार्क थी उसके बारे में। मैंने कहा पेपर पे तो हर कोई रिमार्क देता, आपसे मिलकर आपको रिमार्क सुने, बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू सो मच। खा पी के हम लोग निकल चुके हैं, ये थोड़ी थोड़ी सी शायद धुंध है, पता नहीं क्या है यार। तो बस यार, अब हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो माइट भी पॉसिबल है मैं व्लॉग एंड कर दूं, लेकिन थोड़ा सा भी देखते हैं कहीं रुका वुका तो आपको वहाँ के मंजर शंजर दिखा दूंगा। तब तक ज़रा चलो ना मेरे साथ। उससे नफरत करते हैं ना, जो मुझे हेट करते हैं, उनको मैं एक एक देना चाहूँगा। चाहिए तो बताओ। ये देखो यार, ट्रक जो है स्माइल कर रहा है, ये देखो लग रहा है ना, कहाँ वो सामने कैसे। हाँ तो जी, अब हम लोगों ने सिंध और पंजाब वाला बॉर्डर क्रॉस कर दिया है और अब हम पंजाब से निकल के सिंध में आके छाला खुश हैं साईं ताप दाओ शादाओ पताओ बहु 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 तुलुल बुलुल जो भी बोले जा रहा हूँ मैं। ये बॉर्डर क्रॉस हो रहा है जी। आप लोग भी सोच रहे होंगे जब ये वीडियो शुरू करता है कहीं ना कहीं खड़ा होता है और ख़ास तौर पे खाने की जगह पे खड़ा होता है, लेकिन अभी ये है कि हम खाना नहीं खा रहे, अभी हम सिर्फ सुसू करेंगे और स्टार अनलॉक हो गई। अब चलते हैं ज़रा अंदर सुसू करके आते हैं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं ढरकी, यहाँ पे जो एंग्रो की जो सोसाइटी है ना, इसमें हम हैं और हमारे रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं। तो हम लोगों ने कहा यार, हम जब कराची जा ही रहे हैं, रास्ते में पड़ते हैं, तो हम यहाँ पे रात को रुक जाते हैं। आज एक रात और कल का दिन जो है आधा वो इनके साथ स्पेंड करते हैं, फिर हम आगे निकल जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ये घर के सामने सामने प्लेग्राउंड है, तो यहाँ पे आते ही हमने जैसी गाड़ी लगाई, कोइंसिडेंट चेक करें आप, कालो बेगम बोल रहा हूँ, टार्जन को उसकी बहन मिल गई है, तानिया, टार्जन तानिया। तो हालत देखो यार इसकी क्या हो रही है, अजीब जानवर है, जितना भी खाए नहीं रहता। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। इधर देखो, दोजक का फूल होगी तुम्हारी। साइकिल राइड पे निकले हुए हम दोनों भाई, इतनी मुश्किल है चलना। मेरी साइकिल का साइज तो देखो। साइकिल मेरे पास आज से भी 4-5 साल पहले हुआ करती थी। ये देखो साइकिल का साइज देखो, कितनी छोटी सी है। और मैं लेडीज साइकिल पे, लेडीज और आपका भाई, चलो राइड पे चले यार। अभी जो बच्चा आ गया थी साइकिल। एक और पार्टनर भी आ गया मोटे। मजा आ रहा है यार। ओए पीछे वजी ना आके, नहीं गिराते, आ जाओ पीछे आ जाओ। हेलो हेलो, क्या हाल है भाई। ओए 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 ओए, मैं गया, बच गया। यहाँ पे जी आपके भाई जो है बेबी सिटिंग करते फिर रहे हैं, बेबी को रोड पे लेके फिर रहे हैं, सो क्या कहेंगे, बेबी ख्वारी।